डेमोक्रेसी एंड वोटर। अ वोटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में वोट देने वाला इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आवर कंट्री हैज़ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अ पर्सन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव हु इज़ एनलिस्टेड इन द वोटर लिस्ट कैन कास्ट वोट। तो एक इंसान जो कि 18 साल या उससे ऊपर का है और जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो वही वोट कर सकता है। अ पर्सन हु हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी और इज़ नॉट मेंटली अनस्टेबल कैन वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो जो इंसान जिसे बैंक्रप्ट ना किया हो और जो कि मेंटली अनस्टेबल ना हो तो वो किसी भी भेदभाव के बिना वोट कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अ राइट टू वोट इवन एमिड्स इलिटरेसी पॉवर्टी एंड मैनी सिमिलर इश्यूज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण जो है वो हर किसी को वोट देने का अधिकार रखता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो। द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। तो ये जो है इस तरह से है कि एक इंसान का एक ही वोट काउंट होता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट विदाउट ग्रीड और फियर। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम किसी भी लालच या किसी भी डर के बिना वोट करें। अ वोटर शुड बी अवेयर एंड विजिलेंट ऑफ हिज राइट। एक वोटर को अपने हक और अपने अधिकार के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड अ राइट टू वोट टू ईच ऑफ इट्स सिटीजन्स विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और एजुकेशन। तो बंधारण ने जो है हमें यह हक दिया है कि हम किसी भी भेदभाव, किसी भी जाति प्रजाति, धर्म, पढ़ाई, ये सब के किसी भी भेदभाव के बिना हम वोट कर सकते हैं। वोटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इन आर कंट्री देर इज़ अ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। वोटिंग इज़ अ राइट एज वेल एज अ ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स। वोटिंग जो है वो हमारा हक है और हमारी ड्यूटी है। एवरी वोटर शुड एक्सरसाइज द राइट टू वोट। तो हर वोटर को जो है वोट करने का काम करना ही चाहिए। नेक्स्ट वीक।